चलो बहुत हुई नॉलेज वाली फैक्ट्स, आज कुछ फन हो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। वीडियो शुरू करने से पहले आपको इंट्रो दे दूं कि आज इस वीडियो में न्यूटन की ग्रेविटी, उसेन बोल्ट की स्पीड, पड़ोसियों की बकचोदी और भी बहुत कुछ। आप लोग जानते हैं कि ग्रेविटी का आविष्कार 1665 में न्यूटन चाचा ने किया था। वो साल सारे इंजीनियर्स और आम स्टूडेंट्स के लिए सबसे खराब साल माना जाता है। नहीं नहीं मेरे अजीज दोस्तों, मैं लॉज या फिर इक्वेशंस की बात नहीं कर रहा, वो सब अलग है, वो भी हमारे जिंदगी को बर्बाद किए हैं। लेकिन मजेदार बात ये थी कि 1665 से पहले लोग जीरो लेवल ग्रेविटी का इस्तेमाल करके हवा में उड़ के सफर किया करते थे। पता नहीं उस दिन न्यूटन चाचा कैसे एप्पल के पेड़ से टकरा गए और उनके दिमाग में ग्रेविटी नाम का जहर फैल गया। तभी बेचारे जो लोग उड़ रहे थे वो सारे लोग अचानक से नीचे गिर गए। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि लोग इतने ज्यादा ऊंचाई से गिरे कि कई घर टूट गए, कोई भी जानो माल का नुकसान तो नहीं हुआ था। किस किस को अभी ये बात दिमाग में चल रही है कि काश मैं भी 1665 से पहले पैदा हुआ होता, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जाहिर सी बात है आप सब लोग उसेन बोल्ट को तो जानते होंगे, हाँ वही जो 9 सेकंड में 100 मीटर तक दौड़ सकते हैं। एक बार उसेन बोल्ट अपने घर में चाय बनाने का सोचा तो उन्होंने दूध और चीनी डाल के गैस पे चढ़ा दिया और उनको अचानक याद आया कि चाय की पत्ती तो है ही नहीं और वो अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर वाले दुकान गए पत्ती खरीदने। तो वो जब बिल दे रहे थे तो वहाँ अचानक से शॉक हो गए क्योंकि उनको याद आया कि वो घर में गैस स्टोव ऑन रख के आए हैं। तभी वो वापस दौड़ लगाना शुरू किए तो उनके दोस्त ने बोला, क्या हुआ बोल्ट बड़ी जल्दी में लग रहा है, आजा मेरे पास कार है, तुझे छोड़ के आता हूँ। उसेन बोल्ट ने उनको जवाब दिया, माफ करना यार मैं बहुत जल्दी में हूँ। फिर वो दौड़ना शुरू किए। आपको क्या लगता है, दूध उबल के नीचे गिरा होगा या फिर वो उसके उबलने से पहले ही पहुंच गए थे? कमेंट्स में लिखो, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। जब वो घर पहुंचे तो ना दूध उबला था ना ही वो टाइम से पहुंचे थे। उन्होंने दूध चीनी गैस पे चढ़ाया तो था पर वो स्टोव ऑन नहीं किए थे। आपको मैं बताऊं कि स्पाइडरमैन और सुपरमैन दोनों को मिला के एक फिल्म बनाया गया है। अरे सच में मुझे भी लगता था कि मार्वल और डीसी जो एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते तो दोनों मिलके फिल्म कैसे बनाएंगे। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो दुनिया नहीं कर पाई वो कारनामा हमारे बॉलीवुड ने किया है। मार्वल से स्पाइडर वुमन और डीसी के सुपरमैन को मिला के दरिया दिल नाम का फिल्म बनाया। और तुम लोग सोचते हो कि मैं अकेला बकचोदी कर रहा हूँ। आप लोग टाइम ट्रैवलिंग के बारे में तो जानते ही होंगे जो कि आजकल के जमाने में इम्पॉसिबल है, लेकिन आगे 2-3 करोड़ साल बाद शायद हो पाए। टाइम ट्रैवलिंग के बारे में हमारे महान लेजेंड 22nd सेंचुरी के प्रोफेसर डोरेमोन हमेशा वक्त में आगे अपने टाइम मशीन से ट्रैवल करते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर यह बात सुनी होगी कि फ्यूचर या पास्ट में जाने पर कोई भी चीज या इंसानों के साथ छेड़छाड़ करने से हमेशा मना करते रहते हैं। पर क्यों? क्योंकि उसका अंजाम पास्ट में बहुत बुरी तरीके से नजर आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको ये के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और लोकी की सीरीज देखने होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वक्त के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम क्या होता है। आप लोग कभी खाली बैठे बैठे सोचे होंगे कि यार वेज और नॉनवेज में फर्क क्या है। वेज यानी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, चुका, धनिया, मेथी, सो ऑन, और नॉनवेज यानी प्राणियों का मांस। मैं आपको समझा दूं कि वेजिटेबल्स भी नॉनवेज ही है। आपने पढ़ा तो जरूर होगा कि पेड़ भी सांस लेते हैं और इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, बिल्कुल जानवर और इंसानों की तरह, और पेड़ों की उम्र भी होती है। तो आपको नहीं लगता कि वेज भी नॉनवेज ही है? इस पे कोई बहस नहीं, ये वीडियो बस आपको एंटरटेन करने के लिए थी, इस वीडियो को सीरियस नहीं लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, दुआओं में याद रखना, अलविदा।